पशुओं में बांझपन पशुपालकों के लिए अक्सर बड़ी चिंता का विषय बना रहता था। पशुपालकों को कोई अंदाजा नहीं था कि दुधारू पशु में बांझपन को दूर करने के लिए वो करें तो क्या करें। लेकिन देश भर में अपनी तरह के पहले शोध ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला है। दुधारू पशुओं में प्रजनन न होना एक बड़ी समस्या है और यह समस्या किसानों को बड़ा नुकसान भी देती है। लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पशुपालन वैज्ञानिकों ने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के जरिए पशुओं में प्रजनन की दर और प्रतिशत को काफी बढ़ा दिया है। इससे एक और किसानों को जहां आर्थिक लाभ हो रहा, वहीं उन्नत नस्ल के जानवर पैदा होने से उनके दूध उत्पादन में भी खासा वृद्धि हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत उदयपुर के बड़गांव में चल रहे विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र के पशु चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने उदयपुर प्रोटोकॉल विकसित किया है, जिससे दूर दूर से किसान अपने पशुओं को यहाँ ला रहे हैं। साल भर से पहले भी यही थी, अब 51 हो रही है 7 महीने से, इसलिए इसको यहाँ लाए। पहले भी इसका इलाज हुआ, एक आए और 51 हुई थी यहाँ पे, इसलिए इसको दोबारा मैं लेके आया हूँ। इस प्रोटोकॉल में बांझपन से प्रभावित दुधारू पशुओं को फिर से प्रजनन योग्य बनाया जाता है। ओवेरियन बेस्ड प्रोटोकॉल में ओवरी में स्ट्रक्चर के अनुसार हार्मोन का चयन कर पशुओं का बांझपन दूर किया जाता है। जो ओवेरियन स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोटोकॉल है हमारा, मतलब जो अंदर जो हार्मोन जो अंदर हमारा ओवरी पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से हार्मोन का सिलेक्शन करते हैं, और हार्मोन का सिलेक्शन करके और हम इन पशुओं को फिर उस हिसाब से हार्मोन दे के पशु को पाली में लाते हैं, हीट में लाते हैं और फिर उनको कंसीव कराते हैं। इस कैटल बफेलो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पर किए गए शोध से पशुओं का बांझपन दूर करने में 60-70% सफलता मिली है। इस प्रोटोकॉल को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया है और यहां से प्रशिक्षित 1100 से भी अधिक पशु चिकित्सक किसानों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दे रहे हैं।